परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने हम सबको नाम के साथ जोड़ करके नित नियम से राम नाम का जाप, सिमरन, ध्यान, भजन, कीर्तन राममय हो जाने की प्रेरणा देते हुए उस उच्चतम महानतम ज्ञान के साथ जोड़ दिया, जिससे साधक बड़ी सुगमता से वह परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म लोक क्या है, ब्रह्म धाम में प्रवेश कैसे होता है, बड़े सरल शब्दों में और अनुभव में अपने कर्मों में ले आने में बहुत सुगम है। गुरु महाराज ने कहा ये अध्यात्मवाद धर्म अधर्म के और कर्म कांड के गोरख धंधे से पार है। ये अध्यात्म योग, अध्यात्म योग आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन, उसमें प्रवेश। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इस गोरख धंधे से वह परे है। फिर कर्म कांड किस विधि से, किस विधान से, इससे भी वह परे है। गुरुदेव ने कहा उसकी कृपा और उसकी प्राप्ति, उसके दर्शन, उसमें प्रवेश बहुत महत्वपूर्ण है। ये परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की वाणी जो उपनिषदों में वर्णन है, देव आदि देव की प्राप्ति, देव आदि देव अपने इष्ट की प्राप्ति, इष्ट देव की कृपा, ब्रह्म, ब्रह्म धाम, ब्रह्म लोक, ब्रह्म में प्रवेश, उसका ज्ञान, यह संबंधित नहीं है कोई कर्म कांड के गोरख धंधे से, यह प्राप्त नहीं होने वाला, ना तप से, ना त्याग से। उसकी प्राप्ति नियम है, विधान है। वह केवल गुरु कृपा से स्वयं मानव कितने भी कर्म कांड करता चला जाए, तप तप ले, घोर तप तप ले, अपनी साधना में कितना भी कठोर से कठोर साधनों के द्वारा उसकी प्राप्ति की इच्छा करे, अभिलाषा करे, वह प्राप्त नहीं होता। वह इस गोरख धंधे से परे है। अपना कितना भी जोर लगा लवे मानव, उसकी प्राप्ति असंभव है। उसकी प्राप्ति गुरुदेव के द्वारा गुरु की शरण में जाकर के गुरु कृपा कर देवे। तभी बार बार कहा गया जितनी आस्था, विश्वास, श्रद्धा, प्रीति अपने इष्ट में होवे उतनी ही बराबर गुरु में होवे। गुरु को छोड़ करके
इष्ट में प्रीति, श्रद्धा, भक्ति, जप, तप सब निस्तेज, बिना तेज के, बिना किसी लाभ के वह नष्ट हो जावेंगे। सदगुरु की महिमा बड़ी, विरला जाने भेद। मानव थोड़े से स्वार्थ के लिए अज्ञानतावश गुरु को भी बदल दिया करता है, अपनी आस्था, अपना विश्वास दूसरे तीसरे व्यक्ति में ले जाता है। अज्ञानवश गुरु महाराज ने बार बार कहा अध्ययन स्वयं करो, सदग्रंथों का पाठ स्वयं करो। जब परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज अपने पंच भौतिक धाम से अलग हुए तो व्याकुल हुआ पूज्य पिता संत नरकेवल बेदी जी से प्रार्थना की, अब कैसे होगा भाई, ये तो विधान है, नियम है, जिसको आत्मा ने शरीर को धारण किया है समय पाकर उस शरीर को तो वह आत्मा छोड़ेगा, परंतु आत्मा अमर सत्ता सर्वशक्तिमय सदैव इस जगत में जो अनुयायी हैं, जो उसकी चरण शरण को ग्रहण किए हुए हैं, शरीर का त्याग किया है, उस शक्ति को कोई भी क्षति नहीं होती, उसकी हानि नहीं होती। वह शक्ति आज भी उतनी भी और आने वाले जब तक सूर्य चंद्र हैं श्री स्वामी जी महाराज परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, वह सदैव अवतरित है, हमारे बीच है, हमारे सम्मुख है, हमारे इस तप को जप को वह देखने वाले हैं, स्वीकार करने वाले हैं और कृपालु दयालु इस भवसागर से पार पा जाने में समर्थ वह शक्ति सर्वत्र कहीं पर भी चले जाओ वह साथ चलेगी। परंतु दुर्भाग्यवश ऐसे भी साधक अनन्य भक्ति परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, परंतु उनके निर्वाण के पश्चात गुरु भी बदल दिया, अपनी आस्था भी बदल दी, अब गुणगान दूसरे व्यक्ति के करने लगे, उसके सम्मुख बैठ करके बहुत ढोल पीटने लगे, नहीं लाभ होगा। भूले हुए हैं, भटके हुए हैं। परम पूज्य पिता संत नरकेवल बेदी जी महाराज ने कहा था, अगर परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज को गुरु के रूप में प्राप्त करके तृप्ति नहीं हुई तो कानी कौड़ी भी वाक्य ही में कहीं से कुछ प्राप्त नहीं होने वाले। हां, भटकना होने के कारण बार बार जन्म और मृत्यु के इस गोरख धंधे से मानव पार नहीं हो पाएगा। हृदय में है, वाणी द्वारा प्रकट भी करो, नाम लिखने से भी भय करते हैं। श्री स्वामी जी महाराज का नाम, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का नाम नहीं लिखते, इसलिए नहीं लिखते कि जो आका है, हाकम है, कहीं नाराज ना हो जाए। क्या करते हैं, गुरुजनों की कृपा से। वाह, गुरु का कोई नाम भी तो होगा जिससे नाम दीक्षा ली है। क्यों भय करते हो, किस बात का डर है? ये नियुक्तियां, ये सेवा, ये कार्य देव अधिदेव कृपा से प्राप्त होता है, किसी हाकम की मेहर से प्राप्त नहीं होता। यह
अध्यात्म योग ब्रह्म की प्राप्ति कर्म कांड के गोरख धंधे से पार है। वह केवल गुरु कृपा से और हरि नाम के आराधन से दोनों बराबर आस्था समर्पण अपने गुरु जिससे नाम दीक्षा ली है उसके प्रति पूर्ण आस्था होवे। नाम लिखने से नाम लेने से क्यों किस बात का भय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज सले सड़े गले मानव के तो चरण पकड़ते हो और उस देव को गौण बनाते हो। अध्यात्म योग में पहले आत्मा को जानना होगा। आत्मा से पहले अपने इस देह में कैसे कार्य होते हैं यह सूक्ष्म ज्ञान। सभी इसके अधिकारी ही नहीं होते। आत्मा कैसे प्रवेश करता है शरीर में, प्राण कैसे प्रवेश करते हैं शरीर में और प्राण किस द्वार से बाहर निकलते हैं, कौन सी परिस्थिति में आत्मा त्रैकाल एक रस रहने वाला कब किस प्रकार से ये शरीर का त्याग